Hello students, welcome to the online classes. My name is Nidhi Dixit. Today we will continue with the chapter number 1, right? So in the previous class we have studied about how photosynthesis take place, what are the requirements for the photosynthesis, and what are the autotrophic organisms and the heterotrophic organisms. And in the heterotrophic organisms, we have studied about the heterotrophic plants like the parasitic plants, insectivorous plants and the saprophytic plants. Today we will study about how nutrients are replenished in the soil. हमने देखा हम देखते हैं कि जो farmers होते हैं अपनी field पर क्या करते हैं crop plants को उगाते हैं. लेकिन crop plants को उगाने पर क्या होगा, जैसे हमने एक season में जो crop plants को उगाया तो उस time क्या होगा, जो भी nutrients soil के अंदर present होंगे crop plants क्या कर लेंगे, उसको absorb कर लेंगे और खुद grow और flourish करते हैं. लेकिन नेक्स्ट सीजन में जब हम उसके ऊपर क्रॉप प्लांट्स को उगाते हैं तो वो जो सॉइल होगी वो न्यूट्रिएंट्स में क्या होगी, डेफिशिएंट होगी. तो इस तरह से न्यूट्रिएंट्स की रिप्लेनिशमेंट जो होती है सॉइल के अंदर वो किस तरह से की जाती है या किस तरह से होती है. तो आपने देखा होगा फार्मर जो रहते हैं वो अपने खेतों में मैन्योर और फर्टिलाइजर का क्या करते हैं, स्प्रे करते रहते हैं, स्प्रेड करते रहते हैं. गार्डनर्स भी जो होते हैं अपने लॉन में या अपने जो उनके घरों में जो पॉट्स उगाए हुए होते हैं उनके अंदर वो क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर टाइम टू टाइम डालते रहते हैं. तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, उन्हीं मिनरल्स को और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि सॉइल में डाले जाते हैं, इंसान जो सॉइल में डालता है मैन्योर और फर्टिलाइजर की फॉर्म में, उनको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग. क्योंकि जब हम लोगों ने जिस सॉइल के अंदर हम लोगों ने मैन्योर और फर्टिलाइजर को डाला और उसी सॉइल में जब हमने क्रॉप प्लांट्स को उगाया तो ये जो मैन्योर और फर्टिलाइजर और जो न्यूट्रिएंट्स ऐड किए गए थे सॉइल में वो किसने एब्जॉर्ब कर लिए, प्लांट ने अब्सॉर्ब कर लिए. अब क्या होगा, ये सॉइल क्या होगी, इन न्यूट्रिएंट्स में क्या हो जाएगी, उनकी कमी हो जाएगी, डेफिशिएंट हो जाएगी. तो फर्टिलाइजर्स और जो मैन्योर्स हैं दे कंटेन न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन है, पोटेशियम है और फॉस्फोरस, उनके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी क्वान्टिटी में होता है. तो इन जो ये जो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स जो होते हैं ना, ये हमें खेत में टाइम टू टाइम डालने चाहिए सो दैट हमारे क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छा हो और जो सॉइल की फर्टिलिटी है यानी कि जो उसकी उपजाऊ क्षमता है वो भी बनी रहे, ठीक है, ताकि सॉइल जो है वो एनरिच्ड रहे न्यूट्रिएंट्स से, राइट. देन वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट्स. अगर हम चाहते हैं कि प्लांट्स हमारे अच्छे से ग्रो करें, फ्लरिश करें, तो हमें न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस की फॉर्म में या मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में हमें टाइम टू टाइम उन्हें देने चाहिए. यूजुअली जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं दे अब्सॉर्ब a lot of nitrogen and soil becomes deficient in nitrogen. Usually हम देखते हैं crop plants क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा nitrogen को जो है वो soil से absorb कर लेते हैं, जिसकी वजह से soil जो होती है ना उसके अंदर nitrogen की कमी आ जाती है. तो nitrogen gas जो होता है वैसे तो बहुत ज़्यादा available है क्योंकि हमारे atmosphere में कि हमारा जो atmosphere है ना That is very much rich in nitrogen gas. Nitrogen में बहुत ज़्यादा rich है, almost 78% हमारा atmosphere जो होता है ना उसके अंदर nitrogen होती है. लेकिन जो हमारे plants हैं वो इस nitrogen को directly utilize नहीं कर सकते, उनको depend करना पड़ता है छोटे छोटे microorganisms पर जो कि उनकी खुद की roots में present होते हैं या किसी दूसरे plants की roots में present होते हैं. तो प्लांट्स जो रहते हैं वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट होती है ना एटमॉस्फेयर में उसी को यूटिलाइज कर सकते हैं, नाइट्रोजन को यूटिलाइज नहीं कर सकते. तो नाइट्रोजन जो चाहिए ना उनको सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए. वैसे तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होती है लेकिन वो उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, उनको सॉल्युबल फॉर्म में यानी कि थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में या हल्का सा सॉल्युबलाइज फॉर्म में उनको कन्वर्ट करना पड़ता है. तो उनके लिए ये काम कौन करता है, ये काम करता है एक बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम. राइजोबियम कहाँ प्रेजेंट होता है, राइजोबियम प्रेजेंट होता है जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं ना उनकी रूट्स में प्रेजेंट होता है. जैसे कि प्लांट्स का अगर मैं नाम लूँ तो जिसमें ग्राम आ जाते हैं, पीज आ जाते हैं, फूग आ जाता है, बीन्स हो जाते हैं. मान लीजिए ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट की रूट्स हैं, ये जो रूट के जो छोटे छोटे से गांठ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं रूट नोड्यूल्स. ये जो बैक्टीरिया मैंने अभी नाम लिया था राइजोबियम, ये इसकी इसी रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. किन किन प्लांट्स की, ग्राम, पीज, इनके रूट्स में प्रेजेंट होते हैं. और ये बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है ना ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको चेंज कर देता है सॉल्यूबल फॉर्म में, सॉल्यूबल नाइट्रोजन में चेंज कर देता है.
जिससे कि प्लांट्स जो है अब इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो किसान क्या करता है, किसान करता क्या है कि एक सीजन में जैसे उसने अपने क्रॉप फील्ड में गेहूं उगाया, तो दूसरे सीजन में वो क्या करता है, इन किसी में से भी एक क्रॉप को उगा लेता है। क्योंकि जब मान लीजिए गेहूं की क्रॉप उसने उगाई, तो गेहूं ने सारी के सारी नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लिया था, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया था सॉइल में से। अब दूसरी बार भी अगर वो वापस गेहूं उगाएगा तो क्या होगा, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स तो पहले वाली क्रॉप में ले ली थी, अब गेहूं का प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। इसको अवॉइड करने के लिए पहले गेहूं की फसल उगाएगा, फिर उसके बाद इनमें से ग्राम पीस बीन्स में से कोई भी फसल उगाता है, क्योंकि उनकी रूट्स में क्या होते हैं, राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया जो कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो सॉइल में और अपनी खुद की रूट्स में क्या कर देती है, फिक्स कर देती है, जिससे नाइट्रोजन जो है उसकी क्वांटिटी फिर से सॉइल के अंदर बढ़ जाती है। तो फिर से अगर कोई दूसरी फसल वहां पर उगाई जाएगी तो उसकी क्वांटिटी, उसको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, और जिससे क्या है, पैदावार जो होगी या जो प्रोडक्शन जो होगा वो अच्छा है। तो इस तरह से ये जो रिलेशनशिप होता है इसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप। म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप में हमने पढ़ा था अभी लास्ट टॉपिक में, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमने देखा था लाइकन्स के अंदर। लाइकन्स क्या करते हैं, उसके अंदर एल्गी और फंगस दो पार्टनर्स होते हैं, जिसमें एल्गी क्योंकि ग्रीन कलर का होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो वो अपना खाना खुद बनाता है, और अपना ही अपने लिए ही नहीं बनाता, वो फंगस के लिए भी बनाता है। वेरस फंगस जो रहता है, फंगस जो होता है वो एल्गी को सॉइल में से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके देता है, और एल्गी को रहने के लिए भी जगह देता है। तो इस तरह से दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। तो इस तरह से इसी टाइप के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं इस टाइप के रिलेशनशिप को, सिम्बायोटिक। तो यहाँ भी आप देखते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ही है। कैसे कि ग्रीन प्लांट्स ने, जो प्लांट्स हैं उसने, जो जैसे कि ग्राम है, पीस है, मूंग है, तो उसने क्या किया, राइजोबियम बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह दी। कहाँ रह रहा है वो, उसके रूट्स में रह रहे हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, और राइजोबियम बैक्टीरिया बदले में उसे क्या दे रहे हैं, बदले में उसे दे रहे हैं नाइट्रोजन फिक्स करके और उसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो इस तरह के ये जो रिलेशनशिप है इसको बोलते हैं म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप या सिम्बायोटिक एसोसिएशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए तो है ही है, साथ में हमारे लिए भी है। तो अगर ये राइजोबियम बैक्टीरिया, अगर हम इन क्रॉप्स को उगाएंगे, ग्राम पीस एक्सेट्रा को, तो हमारे जो खेत हैं, जो फार्मर्स की जो खेत हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी नहीं होगी, राइट। तो इस तरह से हमें लेग्यूमिनस क्रॉप्स को भी उगाना चाहिए। देन तो इस चैप्टर में हमने ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा, देन हेटरोट्रॉप्स में के बारे में पढ़ा, हेटरोट्रॉप्स में हम लोगों ने पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ा, सेप्टोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा, तो सारे तरीके के हमने न्यूट्रिशंस पढ़े इसके अंदर, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। उसी के साथ जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 थोड़ा लेंदी था, ये अब कम्प्लीट होता है। ये रिमेम्बर पॉइंट्स जो हैं आप इनको याद रखेंगे, थोड़ा सा इनके ऊपर आप गो टू हो जाइए, क्योंकि इसके अंदर चैप्टर का ही ओवरव्यू दिया हुआ है, राइट। देन नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर आता है, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड, ऑर्गेनिजम्स को खाना क्यों खाना चाहिए। तो हमें पता है कि ऑर्गेनिजम्स को खाना क्यों खाना चाहिए, तो अगर हम देखें तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं टू गेट एनर्जी, एनर्जी लेने के लिए खाना खाना चाहिए, ठीक है। और किस लिए खाना खाना चाहिए हमें, फॉर आर ग्रोथ एंड रिपेयर और मेंटेनेंस। आप कह सकते हैं कि अगर ये हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी में ग्रोथ, मेंटेनेंस, एनर्जी, ये सब कुछ नहीं मिलेगा हमको। डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्शियल पैरासाइट एंड सेप्टोट्रॉफ। तो पैरासाइट और सेप्टोट्रॉफ के बीच में अगर आपको डिफरेंस बोला जाए तो आप क्या डिफरेंस लिखेंगे, तो मैं इधर लिख दे रही हूँ, आप इसको नोट कर सकते, पैरासाइट और सेप्टोट्रॉफ। तो पैरासाइट्स क्या करते हैं, दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। Whereas they, यानी कि सेप्टोट्रॉप्स, they
फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड और डिकेइंग मैटर से अपना जो न्यूट्रिशन है ये लेते हैं। ये पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ के बीच में मेन डिफरेंस है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। स्टार्च को अगर टेस्ट करना हो लीव्स के अंदर तो हम किस तरह से टेस्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन वाला जो हमने टेस्ट किया था, आयोडीन सॉल्यूशन पहले हम लोगों ने बनाया था, टिंचर आयोडीन को हम लोगों ने वाटर में डिसॉल्व करके हमने आयोडीन सॉल्यूशन बनाया और उसके बाद हम लोगों ने उसको लीव्स पर डाला था और लीव्स जो होते हैं उनका कलर क्या हो गया था, वायलेट चेंज हो गया था, जिससे हमें ये पता चलता है कि लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। देन गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। तो आपको बताना है कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर फूड का जो सिंथेसिस होता है वो किसके थ्रू होता है। तो हमने फोटोसिंथेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था जो कि आपके चैप्टर के अंदर गिवन है, आप उसको वहां से देखकर लिख सकते हैं। फोटोसिंथेटिक इक्वेशन आपको लिखनी है, जो हमने 6 मॉलिक्यूल्स लिए थे कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मॉलिक्यूल्स लिए थे वाटर के, जिन्होंने मिलकर एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाया था, C6H12O6 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वहां पर निकला था, वो आप लिखेंगे। देन शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट द प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। आपको एक स्केच के थ्रू ये बताना है कि प्लांट्स जो हैं वो अल्टीमेट सोर्स हैं फूड के। तो आपको बताना है कि ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क है, ठीक है, आप इसको होमवर्क के फॉर्म में लेंगे। देन फिलिप्स आते हैं, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। द फूड सिंथेसाइज बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज स्टार्च, जो भी वो खाना बनाते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट, राइट। देन आता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द फॉलोइंग अ पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम। वो पैरासिटिक प्लांट्स जिसकी येलो कलर की स्लेंडर और ट्यूबुलर स्टेम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कस्क्यूटा, या जिसका दूसरा नाम होता है अमरबेल, अमरबेल, राइट। अ प्लांट दैट हैज बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो प्लांट जिसके अंदर ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों होता है, तो आप बताएंगे उसका नाम, दोनों होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट में आपको ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों देखने को मिलता है, जैसे कि हमने पिचर प्लांट को पढ़ा था, ऑल्दो पिचर प्लांट अपना खाना खुद बना सकता है लेकिन नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो किसको खाता है, इंसेक्ट्स। तो इस तरह से इंसेक्टिवोरस प्लांट, यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं उसका ब्रैकेट में पिचर प्लांट। थर्ड आता है, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। तो उस पोर को हम क्या बोलते हैं, उस पोर को हम बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आप बताएं क्या है, अमरबेल पैरासाइट है, ऑटोट्रॉफ है, सेप्रोट्रॉफ है या होस्ट है। अमरबेल क्या है, जिसे हमने अभी पढ़ा, एक पैरासिटिक प्लांट है। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज कॉल्ड एज, उसको क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं, और उसका एग्जांपल क्या है, पिचर प्लांट। नेक्स्ट आता है, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, नहीं, क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन। Then plants which synthesize their own food are called saprotrophs. जो plants अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम saprotrophs बोलते हैं, no, तो हम क्या बोलते हैं, autotrophs. Third है, the product of photosynthesis is not a protein. क्या जो photosynthesis का product है वो एक protein नहीं है, हाँ, क्योंकि वो एक carbohydrate है. The solar energy is converted into chemical energy during photosynthesis. Yes, solar energy जो होती है वो chlorophyll उसको trap करता है और उसको उसके अंदर convert कर देता है, केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, ट्रू, ठीक है। देन मैचअप्स हैं हमारे पास, तो सबसे पहले है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है हमारे पास, लीफ में, यहाँ पर आप लिख देंगे ए। नाइट्रोजन जो होता है, या अमरबेल थर्ड करते हैं, अमरबेल क्या है, एक तरह का पैरासिटिक प्लांट है, सी।
एनिमल्स क्या हैं? एनिमल्स हेटरोट्रॉप्स होते हैं. डी, इंसेक्ट्स क्या होते हैं? इंसेक्ट को कौन खाता है? पिचर प्लांट खाता है. ई, तो नाइट्रोजन जो होता है वो कौन ट्रैप करता है? हमने देखा है नाइट्रोजन कौन ट्रैप करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया. यहाँ पर इस तरह से ये आपके मैचअप्स हो जाते हैं. तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते. नेक्स्ट आता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस. तो कौन सा पार्ट है? वो होता है टोमेटा. बी, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर मेनली थ्रू देयर. इसके थ्रू लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पता है, लीव्स के थ्रू. ठीक है, लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं. देन ये एक्सटेंडेड लर्निंग एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स हैं, ये आप करना चाहें तो आप इन्हें कर सकते हैं. देन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आता है, द गैस रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. कौन सी गैस रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान? तो आप देखेंगे यहाँ पर कार्बन गैस रिलीज ऑक्सीजन, ओ एक्स वाई जी ई एन, हम ओ टू भी लिख सकते. अ पैरासिटिक प्लांट विद लॉन्ग येलो एंड सिलेंडर स्टेम, तो उसका क्या नाम है? अस्क्यूटा. देन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजाई लाइकन अमरबेल एंड पिचर प्लांट, तो ये सब क्या है? फंजाई अलग अलग नाम लिखते हैं. फंजाई क्या है? एक सेप्रोट्रॉफ है. लाइकन जो होता है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है. ये सारे के सारे क्या है? हेटरोट्रॉप्स हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. एच ई टी ई आर ओ, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. द पोर्स इन लीव्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, वो क्या है? स्टोमेटा. अ प्लांट विद बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो आप देखेंगे एक प्लांट का नाम बताना है, तो जिसमें आप नाम लिख देंगे पिचर प्लांट. देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, हाउ डज अ पिचर प्लांट कैच इंसेक्ट्स. पिचर प्लांट किस तरह से इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है? तो हमने देखा पिचर प्लांट जो होता है उसके ऊपर जो होती है एक लिड होती है, जो कि एक तरह की मॉडिफाइड लीफ होती है. उनके अंदर से कुछ एक प्रेग्नेटिंग मटेरियल निकलता है, तो वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. और जैसे ही इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर प्लांट के पास आता है, लिड जो होती है उसको कवर कर लेती है, इंसेक्ट अंदर चला जाता है और उस लीफ के अंदर से या मॉडिफाइड पिचर के अंदर से कुछ एक ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जो कि इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देते हैं, कम्प्लीटली उसको सोल्यूबलाइज कर देते हैं और पिचर उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है. डिस्क्राइब हाउ नॉन ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड. नॉन ग्रीन प्लांट्स किस तरह से ऑब्टेन करते हैं फूड? तो हमने देखा कस्क्यूटा किस तरह से ऑब्टेन करता है. कस्क्यूटा क्या शो करता है? पैरासिटिक नेचर शो करता है. जो पिचर प्लांट है वो क्या करता है? इंसेक्टिवोरस होते हैं, वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. फंजाई जो होता है वो डेड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेता है. इसी तरह से वो प्लांट्स जिनकी लीव्स नॉन ग्रीन होती हैं वो भी अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ क्वांटिटी में क्लोरोफिल होता है. देन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस को आपको डिस्क्राइब करना है, आपको बताना है कि चारों रिक्वायरमेंट्स अगर होंगी तो ही फोटोसिंथेसिस होगा. इसमें आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें आता है वाटर, जिसमें आता है सनलाइट, और क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके अंदर, और आता है क्लोरोफिल. तो अगर ये चारों चीज़ें होंगी तो ही फोटोसिंथेसिस होगा, अदरवाइज नहीं. देन गिव डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग पैरासाइट्स एंड सेप्रोट्रॉप, ये मैंने आपको अभी लिखवाया है. देन आता है ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स में आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे? ऑटोट्रॉप्स जो रहते हैं दे मेक देयर ओन फूड, दे मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद बनाते हैं. लेकिन हेटरोट्रॉप्स जो रहते हैं दे आर नॉट एबल टू मेक देयर फूड, दे डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट. ठीक है, वाई डू वी नीड फूड, हमें फूड की रिक्वायरमेंट क्यों है? हमें फूड की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि ये भी मैंने आपको अभी लिखवाया है, एनर्जी के लिए, ग्रोथ, मेंटेनेंस, रिपेयर के लिए रिक्वायरमेंट होती है. हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, ये भी अभी आपको करवाया है. व्हाट इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट होता है कि वहाँ से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल निकल कर आता है. ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का? C6H12O6. और क्या निकल कर आता है? प्लस यहाँ पर निकलती है ऑक्सीजन, प्लस यहाँ पर निकलते हैं थोड़े से वाटर वेपर्स. ठीक है,
व्हाट विल हैपन टू लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या हमारी लाइफ पॉसिबल होगी? नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे तो वी विल ऑल्सो वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव, हम भी सर्वाइव नहीं. मेंशन द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेसिस. क्लोरोफिल का क्या रोल होता है फोटोसिंथेसिस में? क्लोरोफिल जो होता है वो एक तरह का पिगमेंट होता है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है. वो क्या करता है कि एटमॉस्फेयर में जो सनलाइट प्रेजेंट है उसको ट्रैप करता है और स्मोक उसमें उसको किसमें चेंज कर देता है? उसको चेंज करता है इसके अंदर केमिकल एनर्जी. तो सोलर एनर्जी किसमें चेंज हो जाती है? केमिकल एनर्जी में. द पार्ट ऑफ द प्लांट इन विच फूड इज मेड. कहाँ पर फूड बनाया जाता है? तो फूड बनता है लीव्स में, इसलिए हम उसको फूड फैक्ट्री भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री या किचन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं. देन टेक द करेक्ट ऑप्शन. सबसे पहला है स्टोमेटल ओपनिंग इज सराउंडेड बाय. स्टोमेटल ओपनिंग जो होती है वो किससे सराउंडेड होती है? इट इज सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स. राइट, राइट आंसर इज गार्ड सेल. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्बायोटिक प्लांट. इसमें सिम्बायोटिक प्लांट कौन सा है? राइट ऑप्शन इज लाइकन्स. देन कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय द प्लांट्स थ्रू. किससे लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड? वो लेते हैं स्टेम से, रूट से या नन ऑफ दीज. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो स्टेम से भी ली जा सकती है. वैसे तो स्टोमेटा से लिया जाता है तो आप उसको यहाँ पर नन ऑफ दीज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेप्रोफाइट. सेप्रोफाइट क्या है? जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करता है उसमें आता है मशरूम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रॉ मटीरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस. रॉ मटीरियल्स कौन कौन से हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और क्या चाहिए? क्लोरोफिल भी चाहिए. यहाँ पर लिखा नहीं हुआ वैसे, बट यहाँ पर राइट ऑप्शन यही है क्योंकि उसके अंदर तीन यहाँ पर भी. देन आते हैं मैचअप्स. फर्स्ट इज एनिमल्स. तो एनिमल को किसके साथ मैच करेंगे आप? एनिमल्स क्या होते हैं? हेटरोट्रॉप्स होते हैं. ए. देन फंजाई क्या होती है? एक तरह की सेप्रोट्रॉप होती है. बी. अमरबेल क्या है? एक तरह की पैरासाइट है. सी. प्लांट्स की जो फूड फैक्ट्री कौन होती है? वो इंसेक्ट्स होते हैं. डी. फीचर प्लांट किसको खाते हैं? इंसेक्ट. ठीक है. देन फिलिप्स डैश इज अ पैरासिटिक प्लांट. पैरासिटिक प्लांट का नाम बताएं, कौन सा पैरासिटिक प्लांट होता है? पैरासिटिक प्लांट में हम कह सकते हैं कस्क्यूटा. द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज स्टार्च. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इज टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ आयोडीन. हेटरोट्रॉप्स डिराइव देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस डैश इज टेकन. कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट. इन फोटोसिंथेसिस द सन्स एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. प्लांट्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स. ठीक है. देन आता है कंप्लीट द वेब चार्ट. वेब चार्ट को आपको कंप्लीट करना है. तो सनलाइट हो गया हमारे पास, वाटर हो गया, और क्या चाहिए हमें? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी आप लिख सकते हैं. अब्सॉर्ब बाय रूट कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 यहाँ पर आप लिखेंगे, क्लोरोफिल. क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट होता है? लीव्स में. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर में. ये सब मिलकर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन. इस तरह से हमारा एक्टिविटी भी कंप्लीट होती है. ये आपके लिए होमवर्क है, क्रॉसवर्ड आपको सॉल्व करना है, पजल आपको सॉल्व करना है. इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को. थैंक यू.